हिंदुस्तान का 50% किसान दिल्ली की तरफ को घूम गया, तो मोदी सरकार को कहता हूँ कि मोदी सरकार को हिंदुस्तान के अंदर कहीं लुकने की और भागने की जगह नहीं मिलने की। वो पहले भी जन्म में कोई बाजीगिरी होगा, वही बाजीगिरी का नाटक आज कर रहा है मोदी जी। एक भी नेता ऐसा नहीं है जिसका बच्चा बॉर्डर पे हो, पुलिस में हो या किसान नहीं कर रहा हो। जो डाढ़ा जो रख लिया उसने, जो डाढ़ा छोड़ उसका भी कुछ दिनों पता नहीं लगने का, उसे छुपने की कोई जगह नहीं मिलेगी। इसकी आवाज जो किसानों की है, आत्मा की आवाज, वो उसको बर्बाद कर देगी, खत्म कर देगी। और मोदी जी विदेशों में भी कोई उसको रखने को तैयार नहीं होगा। आज मोदी दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर मेरे साथ में राणा जी है। राणा जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आज किसान आंदोलन को 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं, सब में अगर मैं बात करूं तो 3 महीने पूरे होने वाले हैं, लेकिन सरकार जिस तरह से अपनी एक अहंकार वाली नीतियों पर डटी हुई है और किसान भाई भी लगातार एक अहंकार तो नहीं कहेंगे क्योंकि उनकी मांगे उचित हैं, तो इस दृष्टि को किस तरह से देख पा रहे हैं आप? देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, उस मोदी सरकार को भी एक बात कहना चाहता हूँ। आज यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर करीब 3 महीने पूरे होने को आ रहे हैं जब यहाँ किसान अपने हक और अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए और किसान से अपना हक मांगने के लिए यहाँ पर पड़ा हुआ है। और आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, शायद मोदी जी के दिमाग में यह बात है कि हिंदुस्तान का किसान कमज़ोर है, यह मोदी जी की भूल है। अगर मोदी जी ये सोचते हैं कि हिंदुस्तान का किसान कमज़ोर है, हिंदुस्तान का कमज़ोर किसान कमज़ोर नहीं है। मोदी जी, आप हिंदुस्तान के किसानों का धैर्य ले की परीक्षा लेने की कोशिश मत करना। अगर हिंदुस्तान का 50% किसान दिल्ली की तरफ को घूम गया, तो मोदी सरकार को कहता हूँ कि मोदी सरकार को हिंदुस्तान के अंदर कहीं लुकने की और भागने की जगह नहीं मिलने की। और किसान साथियों, एक बात और कहता हूँ आपसे, यहाँ पर 200 किसान शहीद हो चुके हैं, 200 किसान, और किसान भारत की ताकत हैं, किसान ही हिंदुस्तान की सरकारें बनाती हैं, यहाँ की सरकारें किसान को नहीं बनाती। और मोदी जी, एक बात कहता हूँ कि हिंदुस्तान के किसान को आप कीड़ा और मकोड़ा समझ रहे हैं, किसान की जान की कोई अहमियत नहीं है। मोदी जी, अगर किसान ने आपसे मुंह फेर लिया तो आप कहीं के नहीं रहने के। और किसान साथियों, एक दोहा कहना चाहता हूं मैं आपके बीच में, अरे जो भरा नहीं है भाव से और बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हर्द नहीं पत्थर है जिसमें भारतीय किसान यूनियन का प्यार नहीं। और साथियों, कटने मरने का रंज नहीं, बस आता है ख्याल हिमाकत का और हिकमत किस्मत के आगे विश्वास नहीं कोई ताकत का। और जब तक शीश रहे कंधे ऊपर और कब्जा बनी रहे तलवार, क्या ताकत है दुश्मन की सामने डटे मोर्चे ऊपर आन। और मोदी जी, एक बात और बताना चाहता हूँ, जब तक ये तीनों काले कानून वापिस नहीं ले लोगे, हिंदुस्तान का किसान बॉर्डर से वापिस नहीं जाएगा। अब कुश्ती आर पार की है मोदी जी, देख लेना हिंदुस्तान के किसान के अंदर कितनी ताकत है और आपकी सरकार कितने दिन ठहरती है हिंदुस्तान के अंदर, ये भी देख लेना। ये किसानों का दावा है। और जय जवान जय किसान जी, जय जवान जय किसान। मेरे साथ में बाऊजी है। बाऊजी, आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से अभी सदन चल रहा था और जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक रोने का वहां पर, हम तो उसको ड्रामा ही कहेंगे क्योंकि आम जनता है, जो आम किसान है, जब उसका दर्द नहीं समझ सकते और अपनी भावनाओं को मिटने के लिए वो आंसू बहा देते हैं, लेकिन यहाँ पर 200 किसान भाई शहीद हो चुके हैं, लेकिन उनके प्रति किसी तरह की संवेदनाएं नहीं, किस तरह से? जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सभी जितने किसान भाई है यहाँ, जिस टाइम पर 2014 में 13 में इनकी और सरकार बनने को 14 में आई थी, तो मोदी सरकार ने जो ये वादा करा था, हम किसान की 2 गुनी आमदना करेंगे, किस मोदी जो है, मोदी जी वो एक बाजीगीर है, वो इंसान नहीं है। वो पहले भी जन्म में कोई बाजीगीरी होगा, वही बाजीगीर का नाटक आज कर रहा है मोदी जी। वो किसानों को, इन्हें जो नौजवानों को बरकला कर जो उन्होंने सरकार बनाई, हमारी किसानों की 2 गुनी आमदना करा था, और जो नौजवान है उनको तनख्वाह नौकरी देता, वो आज ना तो नौकरी नौजवानों की, और किसान जो है बर्बाद मोदी जी ने कर दिया। वह जो दुख दुख जी, तो जब 2014 में जो बजट थी, वह जो दुख दुखी नहीं बजनी मोदी जी की। आपको हम बताना देना चाहते हैं, जो किसान के लारे जो भी धोखा करेगा, जो इसके लारे गद्दारी करेगा, उसका बलिया मेट हो जाएगा और उसका नाम निशान नहीं रहने का। किसान जो है वो एक अन्नदाता है, जो अपने देश को नहीं, जो विदेशों को भी कमा के खाता है,
आज इन्हें किसानों को वो गद्दार बताता है, गद्दार है किसान, ये कोई पाकिस्तानी है, कोई आतंकवादी है, कोई कुछ बताता है, कोई खालिस्तानी बताता है। मोदी जी को मैं परमपिता परमात्मा से एक ही प्रार्थना करता हूँ, उसे सद्बुद्धि दे दे, इन किसानों की आवाज़ सुन ले, नहीं तो मोदी जी यो जो डाढ़ा जो रख लिया उसने, यो डाढ़ा छोड़ उसका भी कुछ दिनों पता नहीं लगने का, उसे छुपने की कोई जगह नहीं मिलेगी। इसकी आवाज़ जो किसानों की है, आत्मा की आवाज़, वह उसको बर्बाद कर देगी, खत्म कर देगी। और मोदी जी विदेशों में भी कोई उसको रखने को तैयार नहीं होगा। आज मोदी जी को, मोदी जी जो है वो बिल्कुल गद्दार है, किसानों के लिए गद्दार है। और जो अमित शाह है, इन्होंने भी किसानों को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। 2 साल से किसानों की आमदना देख लो जी, और जो इन्हें वो 2 गुना आमदना, ये 4 गुना कर्ज बंद किसानों को, मोदी जी ने 4 गुना कर्ज बंद कर दिया किसानों को आमदना की बजाय। तो इस वजह से मेरा यही प्रार्थना है मोदी जी, आज आज अपनी आत्मा को समझ लो, ये जो जितने शहीद किसान हुए हैं, इनकी आत्मा को शांति दे, और इनकी आत्मा को सुनने के लिए इनका काले कानून को वापस कर दो, और किसानों की आत्मा जो है इन्हें शांत हो जाएगी। और वो एसएमपी का कानून बनाओ, और स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर दो, इसकी आत्मा को, किसान को जो भी शांति मिलेगी। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय टिकेट। बाबूजी, इस तरह का जो आक्रोश है, ये हमें 2020 में भी देखने को मिल रहा था, जब देश में एनआरसी का मुद्दा गरमाया हुआ था, उस समय भी लोगों की नाराजगी थी, और उससे पहले 19 में स्टार्ट हो चुका था एनआरसी का मुद्दा, तो लोग लगातार यही कह रहे थे कि इस बार हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि इतनी प्रताड़ना हुई, और दिल्ली में जो दंगे हुए हिंदू मुसलमानों को लेकर, लेकिन उसके बावजूद भी बंपर वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीत कर केंद्र की सरकार में आती है। और अभी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरठ में 6 सीटों पर चुनाव थे, 6 सीटों पर से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतती है, तो लोगों की नाराजगी है या आज भी लोग इसको समर्थन कर रहे हैं? अजीब जो समर्थन था हुए लिया किसान इस बात के भड़ाई में, हिंदू मुसलमान का जो इन्होंने जो डंका बजाया आपस में, और किसानों को 2 गुनी आमदना करने के लिए जो कहा, हम आपस में जाति विरोध में बांट कर आज हमारा नाश कर दिया। हम किसान हैं, हम एक इंसान हैं, परमात्मा ने, हम ना मुसलमान हैं, ना हिंदू हैं, और ना हम कोई जाट है, ना कोई ब्राह्मण है, कोई नहीं, हम एक किसान हैं। हम इस समझ गए, पहले इस बात को नहीं समझे थे, पहले हमारे में यह भावना बांट दी, यह मुसलमान है, यह देश को बर्बाद कर देगा, तुम हिंदू हो, तो इस हिंदू मुसलमान में हमारे पर जो आपस में यह विरोध करा, इस वजह से यह मोदी जी आ गया। इब जब जब सिखों को खालिस्तान बता लगे, ये देश के नागरिक नहीं है, ये मुसलमान हमारे देश के नागरिक नहीं है, किस मुसलमान देश को बेच कर खा जाएगा, कोई सरदार किस देश के बेच को खा जाएगा। इस देश में सभी जाति के, यह गुलदस्ता एक फूलों का गुलदस्ता है, यह गुलदस्ता बराबर रहेगा। किसी भी मोदी जी कितने भी अपनी चाल चल लो, कितना भी इन्हें भड़का लो, इब जब 19 में 18 में वह जो गलती हुई सब जनता समझ गई। आज जो मोदी जी को समझ गया, जो ये आपस में फूट बाढ़ कर इब जा अगले इलेक्शन में देख लियो क्या होगा। हम लोग कह रहे मोदी जी को आज भी सद्बुद्धि परमात्मा दे दे, इन्हें काले कानून को तीनों को वापिस कर ले, और तीनों को वापिस करके और स्वामीनाथन की रिपोर्ट हमारी लागू कर दे, और हमारा जो MSP है उस पर हमारा कानून बना दे, फिर भी किसान चाहे इसको वो दे देगा वोट, नहीं इसे कोई वोट देने वाला नहीं है। अब इस तरह से भाई साहब लगातार 15 महीने में अभी कई राज्यों में चुनाव होने निश्चित हैं, और अभी हम देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में भी चुनाव हो रहे हैं, और जिस तरह का माहौल वहाँ पर देखने को मिल रहा है, आप सबको अच्छी तरह से पता है, तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को आज भी जनता पसंद कर रही है? क्योंकि मैं इस आधार पर कह रही हूँ, अभी मेरठ में जो चुनाव था 6 सीटों में से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, तो कहाँ तक लोग अपनी नाराजगी जता पा रहे हैं, आज भी उसके समर्थन में खड़े हैं? देखिए गलती है, गलती सरकार ही करती है, आदमी से ही होती है। इन 2 लोगों ने गलती करी है, आकर हमारे राकेश जी के सामने माफ़ी मांग लें और ये कानून वापसी ले लें। उन्होंने भी वोट दी, हमने भी वोट दी, तभी तो ये बने, आगे फिर दे देंगे, फिर बन जाओ, हमें सरकार से कोई लेना देना नहीं है। ये केवल 3 जो कानून हमारे लिए, जिनसे देश का बर्बाद होना है, पूरा देश कुछ नहीं रहना यहाँ। अगर जो कुछ लोग सोचते हैं कि मैं तो बिजनेसमैन हूँ, मेरी तो 50 करोड़ की फैक्ट्री है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ, मैं अगर जो ये कानून लागू हो गया, मैं नौकर लगेंगे जी, उसका उदाहरण है। अगर जो उदाहरण है तो थोड़ा सा पीछे चले जाओ, अभी रिलायंस जब ये मोबाइल चले तो रिलायंस इन्होंने रिलायंस पहले फ्री किया, और BSNL के टावर थे, केवल BSNL के टावर हायर किए, हायर मीन्स किराए पर, क्योंकि कुछ लोग समझते नहीं, हमारे बेचारे हैं जो किसान है, कुछ अनपढ़ टाइप और अच्छे किसान हैं,
तो उन्होंने हायर किए, उसका केस सुप्रीम कोर्ट में आज तक चल रहा जो कि फैसला नहीं हुआ। इस पर जितनी प्रॉपर्टी है उतनी सरकार की है, जितनी प्रॉपर्टी मैं दोबारा कह रहा हूँ उतनी सरकार की है। अगर जो वो फैसला लिख कर सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का पर दबाव है सरकार का, जोन सी भी बनो, कांग्रेस बनो ये बनो कोई और बनो, दो ही बनती है ज़्यादातर, तो दबाव है। अब भी केस चल रहा है उस पर। उसके बाद उसने रिलायंस बंद कर दी, जियो चलाई, जियो का सिम इन्होंने फ्री किया। उसके बाद कुछ दिन फ्री के बाद अब क्या स्थिति है हमारी, हम तो किसान है, असली किसान है, जो हमें मतलब पता, मान लो 10 लोग हैं परिवार में, हमारा काम चलता 20 रुपये से 30 रुपये से चल जाता था, क्योंकि इनकम फ्री थी और 20 रुपये डलाते थे, बात कर लेते थे, अपना चल गया जी काम। अब अगर जो 12 लोग है तो 12 के पास मोबाइल और 12 × 2 = 2400 रुपये पर मंथ का तो इनका खर्चा है। अभी जो इसे बढ़ाते जाएंगे इसी तरीके से, ये कानून है, पहले ये इसमें ढील देंगे, फिर जितना इनके तो हाथ में है ना वो चीज़ें, जितना है वो संसद में पारित करेंगे, हमें पता भी नहीं होने का। धीरे 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 वो ऐसी स्थिति ला देंगे कि कुछ भी नहीं रहने का, केवल लोग बाग इनकी नौकरी करेंगे, 2-3 लोगों की, अडानी अंबानी इनकी नौकरी करेंगे, और सरकारें केवल 10% लोग हैं, 80% यहाँ किसान और 10% यहाँ जो। अब एक चीज़ और आई इसमें, अब ये 26 जनवरी को जो जवान थे हमारे, ये हमारे सामने खड़े कर दिया, किसने किया, सरकार ने किया। एक नेता बताओ उसका किसान कोई एक बेटा कोई भी जवान बॉर्डर पे हो, कोई सिपाही हो, कोई दरोगा हो, हाँ DIG वगैरह हो सकते हैं 1% में भी, वो भी मुश्किल है, क्योंकि वे नीचे से ही बनते हैं, सभी के सभी हमारे सामने खड़े करे, हम पर लट चलवाए हैं, आपको पता ही है, सभी मीडिया वालों को, आपको तो मतलब परिचित हो इस चीज़ से। उसके बाद एक भी बंदा ऐसा, इतिहास उठा लो जब से ये देश आज़ाद हुआ और आज तक, एक भी नेता ऐसा नहीं है जिसका बच्चा बॉर्डर पे हो, पुलिस में हो, या किसान नहीं कर रहा हो। वे क्या करते हैं, केवल नेतागिरी, मतलब हमें आपको लड़ाना, हमारा माइंड ऐसा डिस्टर्ब, ऐसा मतलब सोच कर रखी है हमें कि हमें तो बस उनका नौकर लगना हर तरीके से।